हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गगनदीप मान एंड आई एम ए गिफ्ट एंड ट्रूज़ो पैकेजिंग डिज़ाइनर। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपना ट्रूज़ो पैकेजिंग का एक ऑर्डर, क्योंकि वेडिंग सीजन चल रहा है और आजकल ट्रूज़ो पैकिंग के ऑर्डर आ रहे हैं, डेली आ रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो आपके साथ शेयर किया जाए जिसमें मैं शेयर करूंगी मेरी ट्रूज़ो पैकिंग के ऑर्डर के बारे में, कैसे कौन सी ट्रेज हैं जो मैंने आज इनको पैक करना है। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपने ट्रूज़ो पैकिंग का ऑर्डर, जिसमें काफ़ी वेडिंग की ट्रेज हैं, जिसमें गाउन हैं, साड़ीज़ हैं, सूट्स हैं और कॉस्मेटिक का सामान है। और सबसे इम्पॉर्टेंट आज मैंने पैक करना है इस बड़े से लहंगे को। और ट्रस्ट मी, ये बहुत बड़ा लहंगा, बहुत हैवी लहंगा है। देखने में भी ये छोटा लग रहा है, बट काफ़ी बड़ा लहंगा है जिसको मैंने पैक करना है। और मैं आपको दिखाती हूँ मेरे पास आज क्या है पैक करने के लिए, और डेफिनेटली मैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर करूँगी आप कैसे अपने ट्रूज़ो को पैक कर सकते हैं, आपके लिए वेडिंग पैकिंग में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो इस वीडियो को देखते रहिएगा। अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं या मेरे टिप्स एंड ट्रिक्स काम के लग रहे हैं तो मेरे वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। अभी आपको मैं दिखाती हूँ मेरे ट्रूज़ो पैकिंग का ऑर्डर, अभी मैंने क्या कुछ इसमें पैक करना है। तो ये है मेरा ट्रूज़ो पैकिंग का ऑर्डर, जिसमें काफ़ी गाउन है। जैसा भी आप वीडियो में देख रहे हो, ये काफ़ी बड़े गाउन हैं जिसके कवर को मैंने ऑलरेडी ट्रेज में ही रख दिया है, ऊपर गाउन रख दिया है। काफ़ी प्रेटी कलर हैं और काफ़ी प्रेटी गाउन हैं, बहुत बड़े गाउन हैं। बड़ी मुश्किल से इनको मैंने फोल्ड किया है। और इसके अलावा साड़ीज़ हैं, सूट्स हैं और काफ़ी अच्छे दुपट्टास भी हैं। ये साड़ीज़ तो मुझे बहुत अच्छी लगी, इनका कलर आई थिंक आपको भी क्लियर दिख रहा होगा, काफ़ी अच्छा है। और ये राजवाड़ी आई थिंक बनारसी साड़ी है, ये भी काफ़ी अच्छी है। इसका इसमें जरी का काम किया हुआ है और ये जरी का काम तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो टोटली विजिबल है इस वीडियो में भी। तो ऑलरेडी ट्रेज में मैंने साड़ीज़ को प्लेस कर दिया है, अभी बस ज़रूरत है श्रिंक रैप की। तो ये सारे सूट साड़ीज़ बहुत प्रिटी हैं, बहुत हैवी वर्क किया हुआ है इनके ऊपर। तो ये सूट है, ये भी काफ़ी अच्छा सूट है, इसके ऊपर सिल्वर कलर में काम किया है। और बेबी केट कुछ टॉयज़ हैं, और ये है कॉस्मेटिक का बहुत बड़ा बैग जिसमें काफ़ी कॉस्मेटिक का सामान है, और काफ़ी अच्छा सामान है, काफ़ी अच्छे ब्रांड का सामान है। तो अभी इसमें कामा के प्रोडक्ट हैं, कामा के प्रोडक्ट काफ़ी अच्छे होते हैं, मैं भी यूज़ करती हूँ, आप लोग भी यूज़ कर सकते हो। और ये माइकल कोर का बैग है, जिसके लिए आई थिंक एक छोटा सा ट्रे इनफ रहेगा पैकिंग के लिए। तो इसके लिए मैंने ये बास्केट को चूज़ किया है पैकिंग के लिए, प्लेसमेंट के लिए। और यहाँ एक शूज़ है, ब्राइडल फुटवेयर है पैकिंग के लिए, और इसके लिए आई थिंक एक स्मॉल ट्रे इनफ रहेगा पैकिंग के लिए। तो इस ट्रे में हमारे फुटवेयर आसानी से फिट हो जाएंगे, साइज़ बिल्कुल परफेक्ट है फुटवेयर पैकिंग के लिए। और गाउन और सूट्स के अलावा एक जैकेट है, क्योंकि विंटर चल रहा है, तो ये ड्राई, सुपर ड्राई की एक जैकेट है। इस टाइप की जैकेट को पैक करने के लिए हमें काफ़ी बड़ा ट्रे चाहिएगा। और इसके अलावा एक बहुत बड़ी, आप बहुत बड़ा बॉक्स बोल सकते हो, किट बोल सकते हो, वैनिटी बॉक्स बोल सकते हो, या कुछ भी बोल सकते हो। इसमें 2-3 ड्रॉवर्स हैं हमारा कॉस्मेटिक का सामान रखने के लिए, काफ़ी अच्छा पीस है, आप भी ऐसा कुछ अपनी ब्राइडल पैकिंग में यूज़ कर सकते हो। और इसके अलावा बैंगल बॉक्स है, जिसमें सिर्फ बैंगल्स हैं, काफ़ी प्रिटी बैंगल्स हैं। और ये वेलवेट का शॉल है, और इसके अलावा ब्राइडल चूड़ा है, ये राजवाड़ी चूड़ा है, तो ये काफ़ी प्रिटी लग रहा है, काफ़ी अच्छा चूड़ा है ब्राइडल के लिए। तो ये काफ़ी सामान है पैकिंग के लिए। तो अभी जैसे अभी आपको वीडियो में पता चल रहा होगा, ट्रूज़ो पैकेजिंग में आप टैग देना मत भूलना, इस टाइप के डॉली पेपर्स आते हैं, आप टैग के लिए यूज़ कर सकते हो। इस टाइप के हैंडमेड फैन बनते हैं, पेपर फैन होते हैं, आप उनको यूज़ कर सकते हो, काफ़ी अच्छा ऑप्शन है पैकिंग के लिए। अगर आप बिल्कुल सिंपल पैकिंग चाहते हो तो इस टाइप भी पैकिंग कर सकते हो, जस्ट रिबन के साथ और एक छोटे से फ्लावर को ऐड करके आपकी सिंपल ट्रूज़ो पैकेजिंग हो जाएगी।
और जहाँ मैंने फुटवेयर पैकिंग की है, तो यहाँ एक छोटा सा टिप्स है, आप जब भी कभी फुटवेयर की सिंगल पैकिंग करते हो तो उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो। जैसे यहाँ मैंने एक तो हाइट दिया है इसको, एक पिलर ऐड किया है। पिलर ऐड करने से श्रिंक रैप ने फुटवेयर को बिल्कुल डैमेज नहीं किया, और इसके साथ थोड़ा सा और डेकोरेशन किया है, तो इससे हमारे सिंपल फुटवेयर पैकेजिंग और भी अच्छी लगती है। तो अभी हम पैक करेंगे, कॉस्मेटिक पैकिंग करेंगे। इसमें बड़ा सारा बैग है, बहुत सारा सामान है, और इस सामान को मैंने डिवाइड कर दिया है, और आधा सामान मैं रख रही हूँ इस बड़े से मेकअप वैनिटी बॉक्स में। इसमें मैंने हेयर एक्सेसरी ऐड की है, जिसमें काफ़ी अच्छे क्लिप हैं, हेयर एक्सेसरी है, रबर बैंड्स हैं, और भी काफ़ी कुछ है छोटा छोटा, जो काफ़ी प्रिटी भी है, जैसा विजिबल हो रहा होगा। और यहाँ से सेफोरा के फुट मास्क हैं, आई थिंक काफ़ी अच्छे फुट मास्क हैं भी, बट रियली इस टाइप के फुट मास्क मैंने कभी यूज़ नहीं किए, बट आई थिंक आई शुड ट्राई। तो मैं कभी जरूर ट्राई करूँगी इस तरह के फुट मास्क। तो एक ड्रॉवर में ब्राइड के काफ़ी सारे रूमाल थे, मैंने सारे रूमाल एक ही ड्रॉवर में रख दिए। आई थिंक ये 7 रूमाल हैं, हैंकीज हैं, जो ब्राइड के लिए हैं, काफ़ी प्रिटी हैं। तो और ऊपर मैंने रख दिया है कामा का बॉक्स। कामा के प्रोडक्ट काफ़ी अच्छे होते हैं, आप भी यूज़ कर सकते हैं। कामा के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट होते हैं, काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट होते हैं, मैंने भी इनको यूज़ किया है, तो आप भी यूज़ कर सकते हो। अब इस बॉक्स को मैं ओपन करके दिखा देती हूँ इसमें क्या है। इसमें फेस पैक है, मॉइस्चराइजर क्रीम है, आई थिंक लोशन है। तो इनके प्रोडक्ट काफ़ी अच्छे होते हैं, बट काफ़ी एक्सपेंसिव भी होते हैं, अराउंड 1500 के एक ही प्रोडक्ट होता है। तो कामा के प्रोडक्ट बॉक्स के साथ मैंने कुछ बिंदी ऊपर ऐड कर दी है, तो हमारा ये वैनिटी बॉक्स बिल्कुल रेडी है। बट ऐसे हम वैनिटी बॉक्स को दे नहीं सकते, तो आपके पास भी कोई ऐसा मेकअप वैनिटी बॉक्स है तो आप उसको ऐसे देने की बजाय, जस्ट खाली देने की बजाय, उसको एक बास्केट में प्लेस कर सकते हैं, किसी ट्रे में प्लेस कर सकते हैं, या किसी थाल में प्लेस कर सकते हैं। इससे उसकी वैल्यू और भी बढ़ जाएगी, उसकी ब्यूटी एनहांस हो जाएगी। तो अभी हमने लेना है इस टाइप का बेस। इस बेस को कैसे बनाना है, इसका एक ऑलरेडी ट्यूटोरियल वीडियो मैंने शेयर किया हुआ है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप उस वीडियो को चेक कर सकते हैं। तो इस टाइप का बेस आपकी कॉस्मेटिक पैकिंग के लिए बिल्कुल ठीक रहेगा। तो देखिए, काफ़ी अच्छा कॉस्मेटिक का सामान है, काफ़ी अच्छे ब्रांड का कॉस्मेटिक का सामान है। तो इसमें सबसे पहले क्या करना है, आपने सारे इस कॉस्मेटिक सामान को अच्छे से प्लेस कर देना है, जो प्लेसमेंट आपको चाहिए, ऐसे आपने रफली नहीं, आपने अच्छे से प्लेस कर देना है, और उसके बाद ही आपने इनको ग्लू गन से पेस्ट करना है टर्न बाय टर्न। तो ऑलरेडी वो उसी पोजीशन पर पेस्ट हो जाएंगे, आपको एक्स्ट्रा मेहनत करने की बाद में ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अभी मैं इन सभी को ग्लू गन से पेस्ट कर देती हूँ। ये सारा बहुत अच्छा कॉस्मेटिक का सामान है, तो जैसे मैंने अभी ग्लू गन से इनको पेस्ट कर दिया है, तो ये हमारा सारा सामान अच्छे से ट्रे के साथ पेस्ट हो गया। तो आप जैसे भी अभी इसको मूव करोगे तो ये बिल्कुल हिले डुलेगा नहीं। तो आप भी ग्लू गन के साथ ऐसे, या ग्लू गन नहीं तो आप डबल टेप का भी इस्तेमाल कर सकते हो, और उसके बाद आप क्लिंग रैप से रैप कर सकते हो, और उसके बाद जो भी आपको डेकोरेशन चाहिए आप कर सकते हो। अभी इसके ऊपर मैंने पेपर आर्ट भी किया है, एक पेपर गाउन भी बनाया है, और इस वैनिटी बॉक्स को, मेकअप बॉक्स को मैंने एक बास्केट में रख दिया है, और उसके साथ कुछ फ्लावर ऐड कर दिए हैं, कुछ रिबन ऐड कर दिए हैं, कुछ टैग ऐड कर दिए हैं, और जिससे हमारा पैकेजिंग, कॉस्मेटिक पैकेजिंग बिल्कुल कंप्लीट हो गई है, और ये बहुत प्रिटी लग रही है। तो इस तरह का पेपर क्राफ्ट भी आप कर सकते हो। तो अगर मेरा मानना है, अगर आपके पास ऐसे बहुत सारे बड़ी, एक छोटा सा टिप्स टूजो पैकेजिंग में आप यूज़ कर सकते हो, अगर आपके पास काफ़ी बड़ी या फ्लफी जैकेट या कुछ और स्टफ़ है जिसको आपने पैक करना है, तो उसके लिए आपको बड़ा ट्रे लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप छोटा ट्रे लोगे तो आपको उसमें पैकिंग करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। ऐसी ट्रे जो डीप हो, जिसमें डेप्थ हो, जिसमें काफ़ी कपड़ा उसी में ऑलरेडी फिट हो जाए, और आपको पैकिंग करने में ज़्यादा टाइम ना ख़राब लगे, तो इस टाइप के कपड़े के लिए आप बड़ी ट्रे ले सकते हो।
तो हमारी टूजो पैकेजिंग कंप्लीट हो चुकी है, हमारा टूजो पैकेजिंग ऑर्डर कंप्लीट हो चुका है, जो काफ़ी प्रिटी लग रहा है, काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा है, जिसमें काफ़ी सारी ट्रेज हैं, काफ़ी सारी गाउन पैकेजिंग है, जिसमें ग्रूम शर्ट पैकेजिंग है और काफ़ी सूट साड़ी पैकिंग है, काफ़ी प्रिटी और कलरफुल पैकिंग हुई है। आई थिंक आप सभी को अच्छी लगी होगी, तो आप भी ऐसी पैकेजिंग कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ और ये कर सकते हैं। ब्राइडल लहंगा पैकिंग, इस लहंगे को मैंने श्रिंक रैप किया है और इसमें मैंने दुल्हन का वुडन का कटआउट यूज़ किया है, बड़े बड़े रोज़ के फ्लावर यूज़ किए हैं, बटरफ्लाई यूज़ किया है और मोतियों की स्ट्रिंग को यूज़ किया है। तो काफ़ी प्रिटी पैकिंग हुई है और काफ़ी बड़ी पैकिंग है। तो अगर आपको मेरी पैकिंग अच्छी लगी, मेरे टिप्स एंड ट्रिक्स अच्छे लगे, तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।